पहले तो मैं तेरा ये पलंग तोड़ूंगी, अब देखना। कितना डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, हर कोई सामने आ जाता है। अरे तूने इस महान स्वामी को पहाड़ स्वामी बना दिया है, गधे कहीं के। चलो बाद में आते हैं। ज्योति हाँ क्या हुआ? तू जाके मेन स्विच ऑफ कर दे। वो किस लिए? सांजा मांजा आंजा कांजा चाचा चाचा। देख लिया क्या? जो बोला है वो करना। हे भगवान। हे ज्योति, जब मैं सीटी मारूंगी ना तब तू ऑन कर देना, समझे क्या? बाबा जा। यस। क्यों भाई, स्टीम बात ले रहे थे क्या? तुम करेक्ट टाइम पे दरवाजा खोला है। भाई ये सब क्या देख रहे हो? मैं साबुन लाना भूल गया, जाओ साबुन लेकर आओ। साबुन मांग रहा है मुझसे? साबुन मांग रहा है? आज मैं देता हूँ तेरे को एक जोरदार झटका। अब देख तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। मुझे क्या? मैं ना सर रुको, इतनी जल्दी क्या? मैं दरवाजा तो बंद कर लूं। इतनी जल्दी है क्या? ठीक है मैं आता हूँ। तो वहां पर गाली में गाली दी जा रही थी और यहाँ पर इस तरह से प्यार से बुला रही हो? कितनी घाई लगी है इस लड़की को। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस गर्ल्स। अरे बाबू, अरे बाबू, ये तो कोई गुड्डी की आवाज लग रही है। देखो यहाँ खड़े होकर चुम्मा चाटी कर रहा है बेशरम कहीं का। अरे भाई थोड़ा सा उठोगे? कहाँ भाई? नीचे आओ और बेड को देखो। भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? खेल खेल रहा हूँ। उठ 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 चले उठ। अच्छा भैया ठीक है। अरे माँ, अरे बाप रे, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे एक आदमी के साथ इतना कैसे? अरे अरे ये सब होना भी बाकी था। इधर तो इंसान से ज्यादा कुत्ते हैं। घर है या चिड़ियाघर? ये चिड़ियाघर है।
कुछ भी बकवास करता है। सिक्योरिटी है, चलो बस। चलना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाते हैं, मरती हुई लड़की को बचाते हैं ना यार। उससे पहले ये लोग हमें मार डालेंगे, चल। मैं तुझे अंदर ले जाने की सेटिंग करता हूँ, भरोसा रख यार। भरोसा और तुझ पर? हाँ, भरोसा नहीं तो समोसा रख, कुछ तो रख यार। चल चल मेरे साथ। तू मुझे साथ लेकर जा रहा है या खुद भाग रहा है? भागता तो मिल्खा है, मैं क्यों भागूंगा। चल चल चल, मैं अंदर, आगे चलना। बांस की सीढ़ी, बांस से किस्मत की सारी बांस दूर हो जाती है, अपना काम हो जाएगा, जा चढ़ जा। नहीं लाइक बात। हाँ बोलना, थूकना है क्या? मुझे तुझ पे बहुत फख्र है यार। लेकिन क्यों है? एक लड़की की जान बचाने के लिए तू अपनी जान पर खेल रहा है। आज पहली बार तू अपने दोस्त को समझ पाया। जा जा चढ़ जा, जा उसकी जान बचाते, जा चढ़ना। क्या हुआ, क्यों उतर गया? मुझे तुझ पर बहुत गर्व है यार। एक लड़की की जान बचाने के लिए। थैंक यू थैंक यू, जाना चढ़ना, उसकी जान बचा यार, टाइम कम है। सही कह रहा है। हाँ जा जा चढ़ जा। अब क्या हुआ यार, मुझे तुझ पर फक्र फक्र मत कर, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तो फक्र मत कर, ऊपर जा। यार मुझे, हाँ मुझे पता है मुझ पे फक्र हो रहा है, जा 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 जा। सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। हाय, उसका अच्छा, तुमने तो धमकी दी थी कि अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ नहीं आया तो तुम खुदकुशी कर लोगी, और तुम तो यहाँ बैठ कर टीवी देख रही हो। और बालों का रंग? ऐसा नहीं है, खुदकुशी करने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कुछ कुछ देखो तो, मेकअप भी कर लिया है। तुम्हारे पास यहाँ पर रस्सी, चाकू, जहर और ये गोलियां रखी हुई, लेकिन इस कप में क्या रखा हुआ है? शक्कर। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे दवाई खाने से पहले थोड़ी सी शक्कर खाने की आदत है। पहले शक्कर खा लूं तो दवाई कड़वी नहीं लगती, समझे? इतना ही नहीं, खुदकुशी करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है ये जानने के लिए मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। तो फिर इतनी देर क्यों रुकी, कर लेती खुदकुशी? करने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया। मैंने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई, पता है वो क्या बोली? कि आजकल लड़के ना पहले जैसे नहीं रहे, प्यार में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। उसकी बात भी सही है, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फिर तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े तो इट्स ओके। सो सुसाइड का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया, और प्यार की मालगाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं ये सोच रही हूँ। और ये मेरा माइकल, मेरे बिना ये कैसे जिएगा, इसीलिए इसके लिए भी सेम प्लान। मेरे होते हुए माइकल कैसे मरेगा? बाय बाय, टेक केयर, टाटा टाटा। क्या हुआ? रंगीला मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज़ थी? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया, देखता हूँ क्या हुआ है, मैं सब हैंडल कर लूंगा, जाओ जाके मेरे संभव खो जाओ। बाय। नहीं, मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हूँ। इतनी रात गए यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है ठीक है, पहले सीढ़ी को साइड में हटाओ, निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? ठीक है साहब।
ये मेरे पिताजी थे, अंग्रेजों के जमाने के इकलौते इंडियन जेलर थे, एकदम कड़क। जय वीरू भी इनकी जेल से भाग नहीं पाए। लास्ट बर्ड बची थी मो। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये भी लास्ट बर्ड है मुन्ना। अगर ये उड़ गई ना तो कुंडली के हिसाब से अगले 3 साल तक मुन्नी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम शुरू करवाओ। टेक टेक। ये सब क्या है? इस जमाने में कोई अरेंज मैरिज करता है क्या? पहले मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लव शव करेंगे, फिर। बेटा तू 2 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कॉलेज में जिसे तूने पटाया था वो तुझे डिच्चू देकर फरार हो गई। मुझे ये लड़की सुरीली लग रही है। गाना खत्म होते ही तेरी सुर मिला दूंगी, ओके? लड़के को अकेले में मिलना है? देखिए मुझे रिश्ते के लिए लड़के लड़की का अकेले मिलना जरूरी नहीं। अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इसकी तरफ से भी ओके है ना मुन्ना? बिल्कुल भी ओके नहीं, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। कुछ कहो ना, कहते क्यों नहीं? तुम अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, खरगोश की तरह शर्मीले हो। सब यही कहते हैं। तुमने मेरे घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका दिल भी जीत लिया, इसीलिए मुझे भी कुछ कहना है। कैसे कहूँ भैया? भैया मेरा पहले से एक चक्कर है। मेरे बाप के बाप तिहाड़ जेल में जेलर थे। उन्होंने टपकने से पहले मेरे बाप से वचन लिया था कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो और मेरे बच्चे कांस्टेबल बने। और मेरे पागल बापू उसी वचन को पूरा कर रहे हैं। तुम नीचे जाके कह दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ प्यारे भैया। ये किसकी है? मेरे बापू की। मैं ले लूं बहना? का भाई का बहन का सबका चालान काटेगा मैं आज। बहनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना तुमने? कुदरती हेलमेट पहना ना। लाइसेंस लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। अरे तू इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी गया। इंश्योरेंस क्या हुआ? कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है, रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। हे, उधर क्या देख रहा है? 5,000 निकाल, मेरा कट। कट? अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है, अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही MMS बना डाला।
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं, उनके मुँह से उनका निवाला मत छीन। अगर व्हाट्सएप पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। क्या टकले, तू भी क्या याद करेगा? लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो वो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको? इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता है रोज जिम जाता है। टकले की नजरें खराब है, छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर, लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम गया होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। भाभी शादी सुहागरात, संभल के जाओ भाई। पहले उसे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी भी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए, पुलिस वाले गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। माफ कर दो, बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशरम मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो, ये शूट करके व्हाट्सएप पे पूरे इंडिया में फैला देता हूं। इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। वो ट्रैफिक पुलिस भी मुझे भाभी कह रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भी तो भाई कहा था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेले में पिछड़ा हुआ भाई है मेरा। देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब सुनो टकले की भाभी, ये क्या, तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कह के बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओहो, ए गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर वन समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। एक उजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर हैं, तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें टू इन वन नहीं वन समझते हैं। मैं तेरा तुम मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी? अरे अरे क्या, मैंने नहीं बोला यार, कोई अपनी भाभी को बुला रहा, मैं क्या करूं? तो खूब सारी तरक्की करे, भूलना मत सीधे इंटरव्यू पर जाना, किसी लड़की के पीछे मत जाना। इस बार मैंने ठान लिया है कि ऑफिस खुलने के 5 मिनट पहले ही पहुंचूंगा। हाय निठल्ले। हाय निकम्मे, इधर कैसे आया? बड़ा झगास लग रहा है। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा सुन, टीवी पर बाबा लोग जैसा राशिफल बोलता है ना, वैसा ही करने का, तभी काम सफल होता है। हाँ, राजा बिल्कुल ठीक कहता है, टीवी चालू करो। हाँ, करो करो। केबल के पैसे दिए कि नहीं? बिच्छू राशि वाले। अरे ये तो मेरी राशि है। उनका आज का दिन बहुत खराब है, जिंदगी को डंक लग सकता है। हा? इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सुना? अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो आपका राम नाम सत, नए लोगों से मिलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके चक्कर में देर हो जाएगी। यात्रा पर निकलते ही यमराज से मीटिंग होगी, वो लॉरी या ट्रक या बस की शक्ल में आकर आपसे टकराएगा और टायर के नीचे कुचल देगा। तूने, तू आज कहीं मत जा, तू घर पर ही रह। और आपके ऊपर उन जानवरों का श्राप है जिनके चमड़े से पहनने की चीज बनती है। अरे, चमड़े की चीज तेरे लिए ठीक नहीं है, आप इसका जूता उतारिए, मैं इसकी बेल्ट उतारता हूं। इतना याद रखिए, रंगों का असर बहुत भारी पड़ेगा, लाल रंग नीला रंग ना ही पहनो तो अच्छा है। हाँ? ये तो मार पड़ेगी। इन कपड़ों के बिना मैं फिल्मों का आइटम बॉय लगूंगा। मुन्ना हुआ आज इन के लिए। एकदम, उसके लिए तो चड्डा भी उतारना पड़ेगा, चल उतार दे। इतनी बदनामी भी ठीक नहीं है, ये मेरे नाना की निशानी है, माँ को दहेज में मिली थी। पट्टेदार जांगे की वजह से इज्जत भी जा सकती है। अब ये भी उतारूंगा तो सेंसर वाले घर पे आ जाएंगे। चड्डा तो रहने दे यार। पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किसी दिशा में नहीं जा सकते। फिर तो संडास की दिशा के अलावा और कोई दिशा नहीं। हिलने की कोशिश नहीं करना, वो हमारे कब्जे में, चल माल निकाल। साले खुद के दिन तेरे खराब चल रहे हैं और दूसरों को सिखा रहा है। इस टीवी स्टेशन की दशा खराब हो गई है, इसलिए ये प्रसारण बंद हो रहा है। अरे वाह, ये साले मेरी मुलाकात यमराज से करवा रहे थे और यमराज खुद इनके बगल में खटिया डाल के आइसक्रीम खा रहे थे। इन्होंने मेरे कपड़े उतरवा दिए, इनके चक्कर में मैंने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। मम्मी, अबे निकम्मे, मुझे नंगा छोड़ के कहा जा रहा है? तू खुद को पढ़ा लिखा कहता है ना, साइंस जानता है, कंप्यूटर जानता है, फिर भी ज्योतिष पर यकीन करता है। उसने कहा और तूने मान लिया? अब तो तेरा भगवान ही भला कर सकता है। भला मेरा होगा और बुरा तेरा।
अच्छा बेटा, टीवी वाले अपना भविष्य नहीं दिखाते? कहाँ दिखाएंगे, ये तो हमारा दिखा के मजे लेते हैं।